जो पिंक पैलेस में बैठता है, जो आज अपना किरीट लगा के राजा की तरह अंदर बैठा हुआ है, वो इस जेएनयू को कैसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तंका लेता है, कैसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हजार बार अपना दिमाग लगा के, अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा के सोचता रहता है कि मैं क्या करूं आज, कौन से सर्क्यूट को जलाऊं, अगर सर्क्यूट नहीं जलाया तो मैं किस तरीके से, किस नया तरीके से कौन सा पॉलिसी लागू करूं। उसी पॉलिसी का नतीजा है, मुझे लगता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जिस तरीके से इस पूरे एग्जामिनेशन को लागू करने का कोशिश किया, मैं उसको एक बार दोहराना चाहता हूँ। वाइस चांसलर ने कमिटी को एस्टैब्लिश किया, कमिटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया। नॉर्मली रिपोर्ट देने के बाद जो प्रोसीजर है वो होता है कि ये रिपोर्ट सारे सेंटर के चेयरपर्सन के पास जाता है, सारे सेंटर्स के टीचर्स के पास जाता है, वो लोग अपना रिव्यू देते हैं, उस रिव्यू को एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के अंदर रखा जाता है। एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में उस पर बहस होता है, उस पर पोजिशन लिया जाता है, पास होता है या रिजेक्ट होता है। अगर पास होगा तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एडमिशन पर जाता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एडमिशन का मीटिंग होगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा फिर वो एकेडमिक काउंसिल के अंदर आता है, और वहाँ से पास होने के बाद कोई पॉलिसी बनता है। यहाँ पे इस प्रशासन ने इस मीटिंग करके, मीटिंग का ये रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट को डीन्स जो स्कूल के डीन्स होते हैं उनके मीटिंग में रखा। पहली बात, जो डीन्स ऑफ स्कूल है उनके मीटिंग, उनका कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है कि पास करने के लिए। दूसरा, जिस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में इस एजेंडा को रखा, उस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग से जेएनयूएसयू को डीबार किया गया इलीगली। हमारा जो पुराना सिस्टम है सही से चल रहा था, जहाँ पे सेंटर को ऑटोनॉमी थी, सेंटर अपने तरीके से क्वेश्चन सेट कर पाता था, उस सब को हटाते हुए एक नया सिस्टम लाने की बात चल रही है। सबसे पहले ये ऑनलाइन एग्जाम को लेके है क्या कि एक एक्सटर्नल कमिटी होगा, जो पहले तो टीचर को बोला गया कि 8 तारीख तक आप क्वेश्चन पेपर दीजिए, और वो भी ऑब्जेक्टिव हम आपसे लेंगे, कुछ एक्सटर्नल कमिटी से लेंगे, एक बैंक बनाएंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी देने हैं। तो इसमें है कि अगर हम पुराना इतिहास ही हमें सब सिखाता है, तो SSC का एग्ज़ाम पूरा पिछले कुछ दिनों की बात है, लोग जो एग्ज़ाम करवा रहा था एक्सटर्नल कंपनी, उसके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी, हो क्या रहा है? आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप लिख रहे हैं कुछ और, कहीं और से कोई और हैंडल कर रहा है, तो ये तो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसकी क्या गारंटी होगी कि ये गड़बड़ी इस एग्जाम में नहीं होगी? This online scam, the VC has said that from BA till PhD, everything is going to be held as MCQs. So from foreign languages, from international studies to School of Social Sciences, how can one expect to the students, the aspirants who are giving the entrance exam, to give the answers as MCQ? They cannot just tick the answers, right? We have to write the descriptive questions, and then only the real talent will be seen. What is your interpretation? What is your idea of the particular topics? That is how we decide. And for foreign languages, if it is MCQs, so it is going to be there for different languages. If it is for German, if the MCQs are going to be in German, that is not known. For French, it is going to be in French, that is also not known. Then if it is in English, for all the foreign languages, then the students are going to sit in the class without knowing the particular language. Why we are against the online examination system is, if we see the all our exams in the country, there is SSC scam, there is YPM scam, big scam, and also the other universities which have implemented this online examination system, they have suffered. आप पहली बात बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर आप नहीं देंगे तो बाहर से सेट कराएंगे, आप आंसर की भी साथ में मांग रहे हैं, और जिस मीटिंग में इसको पास किया उसमें JNU को रखा भी नहीं है, और जिस टीचर्स ने विरोध किया उनका बात आपने माना नहीं है, और उनके ऊपर लगातार कई सारे नोटिसेस भी आ चुके हैं, और MCQ फॉर्मेट आप लोग लागू कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा हंसी मजाक है स्टूडेंट के ज़िंदगी के ऊपर, जो भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देता है।